Hello guys, welcome back to my channel. So today we are going to make some special chicken with one of my friend. So and a special vlog. So let's get started. बहुत दिन पिछत आज मैं अपनालोकर आगत ब्लग बनाय आसु सो अलग कन्फिडेंस तो कम होय आसे गतिके क्षमा करिबो किबा कते भूल होले आरो आमार आंटीको देखाय दिउ आमार होस्टेलर उर्मिल आंटी आप भी आ जाइए हमारे ब्लॉग में बोलिए कि इनका चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत अच्छे हैं। हाँ आंटी मतलब हर दिन इतना मतलब पहले भी मैंने आपको दिखाया था हमारे हॉस्टल के सारे आंटी इतना अच्छे से काम करते हैं मतलब बहुत मतलब दिल से भी बहुत अच्छे हैं तो अच्छा लगता है इन लोगों से बात करके फिर मतलब ये लोग जब आते हैं ना थोड़ा शांति मिलता है कि चलो हम लोग हॉस्टल में अकेले नहीं हैं आंटी लोग भी है तो चलिए So here is Pema. We're not allowed to see my face. Okay. We are going to start. So it will be more of like a लोग देख सकते हैं हम लोग पढ़ाई भी करते हैं खाना भी बनाते हैं बुक्स खाना सब एक साथ हाँ तेल ढूंढो ढूंढो रुको रुको मैं निकाल के देती हूँ टाइम भी नहीं है ज्यादा वो रहा वो 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 मैं अंधी हूँ ना ऊपर से जगह भी नया है तो आप लोगों को मैं पहले भी अपना हॉस्टल दिखाई थी और अभी भी दिखा रही हूँ कुछ काम वाम नहीं है ये व्लॉग बनाते एक्चुअली संडे है ना इसलिए ओह माय गॉड पेमा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो आई दो ही ना जाए ना हाँ हाँ जल तो नहीं जाएगा ना नहीं 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 जाएगा देखो तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं नहीं उस दिन तो बनाया था ना हाँ हाँ उस दिन इसी में बनाया था हाँ हाँ जलेगा नहीं सबसे पहले क्या करेंगे तेल डालेंगे वो आप सभी को पता है फिर भी बता बोलो तो तवे में क्यों बनाते हैं चीजें क्यों अरे तवे में क्यों बनाते हैं सो दैट मतलब जो वेजीज तुम बना रहे हो ना वो अच्छे से सॉटे हो जाए एंड बॉइल ना हो अच्छा मतलब बॉइलिंग का फ्लेवर अलग होता है एंड सॉटे का फ्लेवर अलग अच्छा सो व्हेन यू यूज तवा तो सॉटे अच्छे से होता है बिकॉज इसमें जगह ज्यादा है ना सो यू कैन इवनली स्प्रेड आउट द वेजीज एंड एवरीथिंग दैट यू आर कुकिंग तो वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है बट कढ़ाई में क्या होता है वो एक के ऊपर एक हो जाता है ना हाँ सो दिस इज व्हाई वी यूज अ तवा या व्हाट एम आई कुकिंग एक्सपर्ट या एक्सपर्ट होना जरूरी है हर चीज में है ना नहीं मैं तो अमेच्योर ही हूं ठीक ही है कोई नहीं बीच बीच में काट देंगे ना सो चल रहा है हमारा खाना बनाने का प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं गरम हो रहा है तेल और हम भी साथ साथ गरम हो रहे हैं फैन की हवा नहीं आती और फैन देख सकते हैं आप लोग दो दो फैन चल रहा है पर बहुत गर्मी है ओ मेरा कपड़ा वगैरह सब कुछ आ रहा है बे आई हैव टू कट दिस कपड़ा वाला थिंग कोई नहीं कपड़ा तो हर कोई पहनता है अरे ये हॉस्टल है भाई हॉस्टल है भाई इतना अच्छा एक्सपेक्ट करते हो वही गया 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 भागो थोड़ी धीमी आंच में देते हैं ना सब ये गंदा है साफ है ना रुको एक सेकंड इससे भी हो जाएगा इससे इससे कैसे होगा देखा स्पून जाके निकला चीनी के डब्बे में जस्ट हॉस्टल थिंग्स या हॉस्टल थिंग्स हम लोग तो पूरा संसार बना लिया हॉस्टल को वही ऐसे बाहर का वो अच्छा लग रहा था सफर नहीं नहीं सफर ही है ना सुना सफर बिल्कुल ये सब नहीं डालने वाली ओके आई विल आस्क यू बिफोर डालिंग मेरा हिंदी मेरा बहुत छोड़ो छोड़ो मेरा हिंदी ना बहुत खराब है आप लोग ज्यादा माइंड ना करें हमारा दम थोड़ा ये हाँ एस मिस पीपल एंड
थोड़ा हिंदी का एक्सेंट भी असमित जैसा होगा। ये सब हम लोग काट देंगे, ठीक है? या सो इसमें इसमें पैन करो, आप लोग देखते हैं। सो दिस इज गोल्डन ब्राउन, या तो मतलब इसमें अभी अपना हम मसाला डाल सकते हैं। जीरा जीरा तो मैं लेके आती हूँ। तुम चली जाओ, ये ब्लॉग बनाते हुए जाना, बस मेरा रूम मत पैन करना, ठीक है? तो मैं अभी जीरा मसाला लेने जा रही हूँ दूसरे रूम में, मेरे फ्रेंड्स के रूम में, क्योंकि मेरे रूम में जीरा मसाला नहीं था। तो चलिए, ये वाला है मेरे फ्रेंड का रूम, उसने दिखाने के लिए मना किया, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। पर इसमें तो ऐसा ब्लॉग बना है सुबह ना, जीरा मसाला लगे इसलिए जीरा मसाला, और पालू दिया, मिल गया। ये है जीरा मसाला, मिल गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जीरा मसाला, विदाउट जीरा मसाला ब्लॉग बोले ब्लॉग नहीं सॉरी खाना चिकन, मेनली चिकन। पता है मैं क्या बोल रही थी? विदाउट जीरा मसाला ब्लॉग विल बी सो क्या, उल्टा पुल्टा। धनिया को हटा देती हूँ ताकि थोड़ा तो देखिए, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो कपड़े, तो हम लोगों ने जीरा डाल दिया। देखिए एक साथ कितना काम कर रहे हैं हम लोग, मल्टीटास्किंग, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, ये तो होना ही पड़ेगा। खाना भी बनाओ, मेरो भी देखते रहो। मेरो का वीडियो भी चला दूँ क्या? नहीं नहीं, वैसे ही ठीक है, थैंक यू। मैं चला देती हूँ, मुझे तो ऐसे ही पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे तो पढ़ना पड़ेगा। कितना मतलब, वो तो है, वैसे भी टैलेंटेड लोग कम पढ़ने से ही हो जाता है। थोड़ा जीरा का, जीरा और ये कोरिएंडर था, हाँ, हाँ। तो धनिया का ये जो पाउडर था, तो हाँ। ये भी थोड़ा सॉटे हो गया, अभी हम इसको डालेंगे हमारा इसमें, हाँ। इसमें वी हैव जिंजर गार्लिक अनियन एंड टोमेटो, तो हमने इसको सारा एक साथ ही प्योरे कर दिया था, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तुम कितने अच्छे से बोलते हो यार, मतलब धीरे धीरे थोड़ा समझा के। तो खाने का व्लॉग बना रहे हो, अच्छे से ये करना पड़ेगा ना, बीच में मैंने बहुत आलू पानी देखेगा, ये मैच्योर व्लॉग देखेंगे ना, कम से कम एएमसी के लोग तो देखेंगे कि चलो इन लोग क्या खाना बना रहे हैं, हमारे बैचमेट्स तो देखेंगे ना कम से कम। मैच्योर, टोटली मैच्योर। अभी हां चलो इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देते हैं एंड विल फ्राई दिस थिंग। यूजली क्या करते हैं ना लोग कि टमाटर प्यूरे को अच्छे से फ्राई नहीं करते, वो खट्टा खट्टा, मतलब वो जो कच्चा कच्चा फ्लेवर होता है ना, तो वो रह जाता है। तो टमाटर प्यूरे को अच्छे से फ्राई करना होता है जब तक ये पूरा सूप के ऑयली ना हो जाए। अच्छा, सो दिस इज अनवांटेड, रिमेंबर नेक्स्ट टाइम अगर बनाना तो ये याद रखना। थैंक यू अलॉट, मैंने तुमसे बहुत चीज़ें सीख लिया। अभी इसको अच्छे से हम फ्राई होने देंगे ताकि मसाला पूरा फ्राई हो। चिकन की तरह चिकन नहीं, हमको तो हल्दी और नमक भी डालना है ना, हमने मैरिनेट नहीं किया हुआ था ना वो। हाँ छोड़ो, इसको फ्राई होने देते, इसका पूरा तेल निकल। Emma, you know what? You are looking so cute. Thank you. बच्चे जैसे लग रही हो तुम, हम तो बच्चे ही हो ना, हम लोग थोड़ी ना बड़े हो गए ना। नहीं नहीं, दिल तो बच्चा है जी। हाँ जी। अच्छा लगता है ना ब्लॉग बना के, देखा ना मैंने बोला था ना अच्छा लगता है, कमेंट्री करके अच्छा लगता है। हाँ कमेंट्री करके अच्छा लगता है, अपलोड दे या ना दे, लेकिन जो मोमेंट्स है वो कैप्चर करने ना। हाँ देखिए, अभी इसका एक पेक्यूलियर स्मेल निकलेगा, वी हैव टू जज द कुकिंग बाय द काइंड ऑफ स्मेल वी गेट। अच्छा, तो मतलब जब जब वो कच्चा वाला स्मेल आना बंद हो जाएगा ना, तब यू नो कि तुम्हारा प्योरे पक चुका है। अच्छा, वो तेल भी दिखेगा तुम आप लोग को, मतलब धीरे धीरे ये मतलब कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, फिर थोड़ा तेल, थोड़ा थोड़ा तेल दिखेगा। ये ना हम प्योरे क्यों डालते हैं? हाँ, क्यों? बिकॉज ग्रेवी तब थोड़ा ये होता है कंसिस्टेंसी ना, थोड़ा थिक होता है, इसलिए प्योरे डालते हैं। सर यूजली प्योरे में काजू वगैरह भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल लो। यूजली टमाटर थोड़ा वो खट्टा वाला ये देते हैं, टेक्स्चर देते हैं, एंड काजू जो है, काजू टमाटर के खट्टेपन को काट देता है। सो यूजुअली यू सी जो नॉर्थ इंडियन ग्रेवीज होते हैं ना, हाँ, तो उसमें काजू और टमाटर एक साथ डालते हैं ताकि ज्यादा खट्टा भी ना हो, ज्यादा मीठा भी ना हो। अच्छा, तो वो परफेक्ट बैलेंस हो जाता है।
अच्छा वाला स्मेल जाएगा। तो हम जैसे इसमें चिकन डाल पाएंगे ना, पहले हम इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से क्या था ना, पानी पूरा ही निकल जाता है। अच्छा, तो पूरा निकाल ही देते हैं अभी पानी इस बार। हाँ, नमक अभी हम लोग नमक डालेंगे। से हम ना वो एकदम सॉफिस्टिकेटेड कंटेनर्स नहीं होते, वो सब में चीजें नहीं रखते। ये कोई पल्स कैंडी का कंटेनर है, देखो। वही तो हॉस्टल का, हॉस्टल लाइफ का मजा है ना, जुगाड़ पंती, हर चीज जुगाड़। तो ये है हमारा नमक डाल दिया। उस दिन नमक ज्यादा हुआ था क्योंकि मैंने डाले थे। चलो आज तुमने डाल दिया। हल्दी शुड बी क्रेजी ना, इतना सीरियस होकर क्या होगा? मैं सीरियस हूँ क्या? तो बहुत ज्यादा करना है, खाना भी बनाना है। वो तो चलो मैं मैरो ऑन ही कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग वापस भेज दिए अपने रूम, बिकॉज हम एक बार में चीज लाते हैं। कोई बात नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग हॉस्टल में खाना बना रहे हैं, तो एक रूम से दूसरे रूम तक, मेरे रूम में कुछ होता नहीं तो उसको रूम से, फिर उसके रूम में कुछ होता नहीं तो मेरे रूम से। तो हम लोग मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर पर इसमें तो पुनी हुआ ऐसा नहीं कि डिस्टर्ब हुआ ऐसा नहीं कि मिर्ची पाउडर लो बहुत सी तभी मैंने खाना बनाया। सुनो तो मिर्ची पाउडर कुंटू बा है আজি চিকেন বনাইছো আহিবা হা খাবলে ভাত খালা ভাত খালা নেকি আচ্ছা বেষ্ট কৰা ৰাতি খাবা হা হবে তুমিয়ে খুৱাই থাকা আজিলৈকে মই তোমাক একো খুৱাই পোৱা নাই পেমা পেমা हां आई एम सो कंफ्यूज्ड कौन सा है मिक्स हां वेट वही मैं लेने आई आई अज्यूम्ड कि तुमको नहीं मिलेगा ये आई थिंक दिस चिकन पाउडर चलो चलो फाइनली मुझे मिला नहीं मिर्ची पाउडर ओह माय ये पंपिंग लगा सी हेलो मिर्ची पाउडर इमान कैसे हो जाओ मोय बाय सो ब्यूटीफुल बंगाली ब्यूटी चिकन मसाला और मिर्ची पाउडर डालने के बाद कलर और भी सुंदर है ना। हाँ, इसको पूरा फ्राई करके इसमें चिकन डाल देते हैं और सब ग्रेवी का कंसिस्टेंसी देखिए। वाओ, अभी ये थोड़ा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो जस्ट इमेजिन कितना अच्छा लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा और बस। अरे तवे में बनाया ना इसलिए जल्दी कुक हो गया, कढ़ाई में बनाते तो सारा बॉयल होते होते हो भगवान। जैसे स्पेस जब सरफेस एरिया ज़्यादा आता है ना तब जल्दी जल्दी मतलब पक जाता है चीज़। बेसिक साइंस हो गया। तो डांस हो जाए? नहीं नहीं गाना ये वो तो निधि उमा है। ये देखो डिजास्टर को सही करने निकली है, लगाओ लगाओ। तू रीच तू पहुंच भी गई उतने हाई तक? अ नहीं नहीं अब मेरे रूम वाला तो बहुत ऊंचा ऊंचे में। अरे बाप रे
डिजास्टर स्ट्राइक्स 2.0, दिस इज इवन वर्स, जस्ट लाइक द सेकंड वेव ऑफ कोविड। और ये बहन नाच रही है, हाय, आग लगे मस्ती में, मैं अपने मस्ती में, राइट? सो आई थिंक ये अच्छे से बन चुका है, सी गाइस, सी, शिमरिंग, इट्स आल्सो सिमरिंग। आई थिंक वी हैव टू जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ ग्रेवी, थोड़ा पानी डल सकता है वैसे, बिकॉज वरना खाने में दिक्कत होगी, बट आई थिंक इट्स परफेक्टली कुक्ड। ता-दा! सो मैंने यहाँ पे थोड़ा और पानी डाल दिया बिकॉज ग्रेवी हमको थोड़ी सी चाहिए थी। देन यू कैन सी अच्छा खासा ग्रेवी भी हो गया, चिकन भी अच्छा खासा अमाउंट है, अच्छे से पक भी चुका है, कलर भी इतना प्यारा है। आई थिंक वी आर रेडी टू ईट। It's ready to eat. देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है ना देख के, डेलिशियस। हमने नहीं खाया अभी तक, खाएगी ले। देखो मुझे चिकन नहीं दे रही है, बस ग्रेवी दे रहे हैं। चलो ग्रेवी खा के, ग्रेवी में तो असली टेस्ट होता है ना, बहुत गर्म होगा। नहीं छोड़ो ना, काट देंगे वैसे भी।